बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद और समाज, ये समाजवादी पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश का आप हालत देख लीजिए, प्याज का क्या हालत है कि ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कितना डेवलप, 2.5-3 साल हो चुके हैं, कोई डेवलपमेंट नजर हमें नहीं आता। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम करा है और इस देश की गद्दी पर काबिज होने का काम करा है। साथियों, हम लोग यहाँ से एक संकल्प लेके जाते हैं कि जब यहाँ से 2022 में समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने हर तहसील मुख्यालय पर धरना आयोजित किए हैं और इन धरनों पर जो विशाल जनसंख्या उबड़ा है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी तरह से उब चुकी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों के साथ भेदभाव और अपराधों की तो जैसे बाढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसी जघन्य वारदातों में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लिप्त पाए जा रहे हैं। सवेरे को अगर अखबार उठा के देखें या टीवी चैनलों को खोल के देखें तो सिवाय अपराधों के प्रदेश में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अब जनता ने मन बना लिया है कि बहुत जल्द कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सत्तारूढ़ करने का काम करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर पूरे प्रदेश की तहसीलों पर आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। आर्थिक मंदी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा हो, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार नौजवान किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है, इसी जुल्म की आवाज़ को लेकर के आज हम लोग इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन देश में फैली हुई, खासतौर से उत्तर प्रदेश में फैली हुई अराजकता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गरीबी, महंगाई और इसी तरह की सारी समस्याओं को लेकर है। ये धरना इस बात का प्रतीक है कि अब प्रदेश की जनता जाग चुकी है और लोहिया जी के मुताबिक जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकती, लिहाजा अब कौम सड़कों पर आ चुकी है, प्रदेश सड़कों पे आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी।